प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण सुचारू रूप से जारी है। प्रदेश भर में अब तक 48 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। रेवाड़ी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाए गए 23 केंद्रों पर टीकाकरण में तेजी लाई जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को कोरोना से सुरक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 1,28,000 से अधिक लोग टीकाकरण करवा चुके हैं और ऑनलाइन भी काफी संख्या में लोग पंजीकरण करवा रहे हैं। मुख्य चिकित्सक ने लोगों से पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के बाद ही स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण के लिए पहुंचने की अपील की, ताकि ज्यादा भीड़ इकट्ठी न हो और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की जा सके। ठीक है, क्योंकि रूरल के बजाय हमारे ग्रामों में कोरोना पैर पसार रहा है, उसके लिए हमारे विलेज आइसोलेशन सेंटर की शुरुआत अगर हम कर रहे हैं तो वो पंचायत विभाग ने विलेज आइसोलेशन सेंटर तैयार कर दिए। अगर किसी गरीब के पास मकान में अगर 5 फैमिली मेम्बर हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं, अगर पोस्ट हो जाता है, तो वो उनको हम गाँव में आइसोलेट कर सकेंगे, ताकि उनको शहर में ना आना पड़े। वैक्सीन लगवाने आए युवाओं ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी को टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन करवाया है, आप सभी भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से हम लोग कोरोना को हराएंगे। टीका बिल्कुल सबको लगवाना चाहिए, इससे काफ़ी रिस्क कम हो जाता है, ज़्यादा खतरे का कोरोना का, सबको टीका लगवाना चाहिए। मैंने आज कोविशील्ड की फर्स्ट डोज लगवाई है और ये हम सभी को लगवानी चाहिए, हमारे लिए बहुत यूजफुल है। मैं कहना चाहता हूँ कि सभी को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, इससे कोरोना का रिस्क जो है वो कम होता है और इम्यूनिटी है कोरोना से लड़ने की क्षमता वो बढ़ती है। तो मैं अपील करता हूँ कि सभी को ये